फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पहले आपने देखा था कि मैंने एक फोन मंगाया था और अब की बार एक और फोन मंगाया है। ये मैंने इनके लिए मंगाया था, मंगाया है था नहीं, और इन्होंने मेरे लिए मंगाया था। तो इसका कवर है जो वो भी साथ में ही है, यानी कि अलग मंगाया है। वैसे हमने साथ की साथ ही मंगा लिया था। ये फोन अलग है, कवर अलग है, क्योंकि जो मेरा ये एम आई वाला फोन है, ये जो मैंने पहले कवर मंगवाया था वो बहुत अच्छा था, उसकी वजह से ये 3-4 साल चल गया। क्योंकि ये मेरे से करीबन 1000 बार तो गिरा ही होगा 3 सालों में, लेकिन इसमें कहीं भी ये खरोंच तक नहीं आई उस कवर की वजह से। क्योंकि जो भी ये गिरता था वो सारा अपने ऊपर ले लेता था, और बहुत ही अच्छा है ये। तो अब हम आपको फोन दिखाएंगे अपना। अभी तक मैं तो देखिए, देखते हैं इसके अंदर कैसा फोन है। Realme। तो देखिए अभी यहाँ से भी पैकिंग है, इस पे यहाँ से ऐसी था ये। तो ये है Realme 5X वाला फोन। देखिए, देखते हैं और कैसा निकलता है। देखिए इसका कवर भी मेरा, देखो कितना अच्छा, ऐसा ही बिल्कुल सेम जैसे मैंने पहले मंगवाया था। इसका कवर भी हमने साथ ही मंगवाया है पहले। रुको ना, देखो अभी ये जो ये कवर है ये इसके साथ आया है, फोन के साथ आया ये तो। और आपने मुझे गिफ्ट दिया था, मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ, हिसाब बराबर। ओके, थैंक यू। और ये इसका चार्जर है, ये इसकी नीड है। और इसका कितने मेगापिक्सल का है? अच्छा, फोन फोन का स्पेसिफिकेशन मैं बताता हूँ। ये इसमें 4 कैमरे हैं, ये रियर कैमरे हैं। 48 मेगापिक्सल है सबसे बड़ा कैमरा, फिर 8 मेगापिक्सल है, फिर 2 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। तो ये जूमिंग के लिए 10x जूम है इसके कैमरे का। और इसमें ऑटो फ्लैश है। और ये वाला जो कैमरा है ये 30 मेगापिक्सल का है, ये फ्रंट कैमरा बोलते हैं इसको। फ्रंट कैमरा उसके जैसा ही है, सेल्फी वगैरह के लिए है, लड़कियां मुंह बना के लेती सेल्फी उसके लिए। भाई लड़कियों के ऊपर तुम ऐसे मत किया करो, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है ना? लड़कियों के बारे में हम एक शब्द नहीं सुनेंगे आपसे, आप पहले भी बोल चुके हो। इसमें टच वाला भी है, मतलब आप टच करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। ये देखो, ये इसका कवर है। ये कवर भी हमने इसके साथ ही मंगा लिया था, क्योंकि बार बार गिरने का डर होता है। लेकिन ये इससे अलग है ना? बहुत अच्छा है। हाँ, ये इससे अलग है। ये 175 का मिला है। अगर आप इसके साथ ऑर्डर करोगे तो 175 का मिलेगा, अदरवाइज हो सकता है ये आपको 250 रुपए तक का पड़े। तो ये थोड़ा सा छूट मिली थी हमें इसके ऊपर। और ये है, ये जो फोन है इसका 10x का जूम है कैमरे का। और मेन हमने ये मतलब कैमरे के पर्पज से लिया, क्योंकि हम यूट्यूबर्स हैं तो कैमरे के मकसद से ही ज़्यादा लेते हैं फ़ोन, ताकि वो वीडियो अपलोड कर सकें सब। तो और जो मैंने वो फोन इसका लिया था, अरे इसका जो लंबाई है वो 164 है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 74 mm है, मिलीमीटर। और इसकी जो मोटाई है वो 9 mm है, 9 mm के करीब। और मैंने बाकी चीज़ें इसमें, हाँ मैंने ये बता दिया, इसमें 4 GB की रैम है और 64 GB की स्टोरेज है इसके अंदर। और ये जो है एंड्रॉयड 9 OS पे चलता है, और इसका जो प्रोसेसर है वो 1.8 GHz है, जो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देगा। अब देखते हैं परफॉर्मेंस तो इसके बाद, मतलब इसका जो रिव्यू वो काफ़ी अच्छा ऑर्डर किया। तो ये अंडर 10,000 के प्राइस में ये बेस्ट फ़ोन है। और अगर यही कॉन्फ़िगरेशन आप सैमसंग वगैरह में लेते हो तो उनका फ़ोन 14,000 तक का पड़ता है, और बाकी जो कंपनी है उनका और ज़्यादा का पड़ता है। मगर इसकी जो परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसकी जो पहले फोन लिया था, रुको ना, जो पहले फोन लिया था हमने सैमसंग का था ना, वो
सैमसंग सैमसंग का तो मेरे से कई लोगों ने पूछा था कि ये कितने में पड़ा, लेकिन फोन तो वो काफी अच्छा था, कोई दिक्कत, लेकिन हमने जब उसमें अलग से चैनल बनाने की कोशिश की तो उसमें यूट्यूब चैनल नहीं बन रहा था, यूट्यूब तो चल रहा था मतलब वो, यूट्यूब चैनल तो बन रहा था चैनल, बट वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी वीडियो अपलोड उसका। नहीं हो रही थी, हाँ सॉरी, चैनल तो बन गया था लेकिन हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी कि हम, क्योंकि मैंने एक उस पर अलग एक चैनल बनाया था, क्योंकि उसकी आईडी भी बिल्कुल अलग थी और सब कुछ अलग था, तो इसलिए उस पे तो कई लोगों ने पूछा था उसको ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो अब हम चेंज कर लेंगे फोन, ये वो वाला ले लेंगे, मैं ये वाला ले लूंगी। तो उस पे हमने ये भी ट्राई किया था कि हो सकता है कि नए चैनल पे कोई दिक्कत आ रही होगी वीडियो अपलोड करने में, तो हमने ट्राई किया था अनुज कुमार चैनल से भी अपलोड करने का, मगर उससे भी अपलोड नहीं हुई थी वीडियो। तो उसके बाद फिर हमें ये फ़ोन लेना पड़ा। इस फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन जो है काफ़ी बेटर है उससे, केवल ये बैटरी में ही उससे 1000 MAh कम है, मगर अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर फोन्स की बैटरी 4000 या 4200 MAh तक आती है, इसकी जो बैटरी है वो 5000 इसको ऐसे भी रख मेगाहर्ट्ज़ की सकते है। हैं, कवर को देखो ऐसे भी रख सकते हैं, ये चीज निकाल के अगर ज्यादा आपको इसमें, क्योंकि इसका थोड़ा सा वेट ज्यादा हो जाता है, लेकिन आप इसको अलग से निकाल सकते हो, लेकिन ये अच्छा लगता है क्योंकि मुझे आदत है, मुझे तो अब हल्के फोन लेने की आदत ही नहीं रही, जिसकी जो मेरा इस EMI वाला फोन था, ये इसकी वजह से इसका जो कवर है इसकी वजह से मुझे ऐसे कवर की आदत हो गई है कि थोड़ा भारी सा लगे हाथ में फोन, और ये अच्छा तीन है। कलर में आता है फोन, एक तो ब्लू है, एक रेड करके है, और एक और कलर है पर्पल ऐसा है, तो पर्पल कलर, ये तीन कलर आते हैं इसमें, क्योंकि लड़कियों के लिए जरूरी होता है कलर चुनना, फोन से पहले जो कलर चुनती हैं। तो यही है इसका स्पेसिफिकेशन, और बाकी सब देखते हैं इसको ट्राई करके कैसा है, और इसका जो फोटो और वीडियो का कैसा रिजोल्यूशन आता है वो हम नेक्स्ट कभी वीडियो डालेंगे तो बताइए। थिंक नहीं और कुछ बोलना है नहीं और कुछ नहीं बोलना, अगर पसंद आए, इसमें तो तीन चार 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 कैमरे हैं, कैमरे हाँ मैंने बता उसमें नहीं दिया थे ना इसमें, MI नहीं वाले नहीं में, सब में थे, उसमें भी थे। तो ये 48 MP, ये 12 का है, 12 MP है, और ये बाकी 2 2 MP की। तो ऐसा है, थैंक यू, बाय।